कृषि विभाग की जाति हमारी ओर बढ़ रही है। किसान खेत पाठशाला को प्रदर्शित किया जाता था, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले के किसान को आगे बढ़ाते रहिए अगले खाते है। खाते के साथ कृषि क्रियान्वयन प्रकृति का प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिससे प्यारों द्वारा को जिसका मुख्य उद्देश्य किसान खेल पाठशाला से आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले के किसानों को कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी के साथ ही इसके सहवर्त विभागों से संबंधित नवीनतम तकनीकी जानकारियों से अवगत कराकर खेती की लागत तथा उनके क्षेत्रों को कम करना, किसानों की आय को बढ़ाकर खेती को लाभ का मौका बनाना, की ज्वलित समस्या अर्थात गेहूँ व धान की फसल की नरवाई को जलाने से होने वाले नुकसानों तथा नरवाई के उचित प्रबंधन से भूमि की उर्वरा शक्ति व पर्यावरण संरक्षण के बारे में कृषकों को इसके प्रबंधन की उचित जानकारी प्रदाय कर जागरूक कराना। इसके मध्य भाग में उन्नत तकनीकी के माध्यम से जिले में उत्पादित की जाने वाली विविध फसलों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे किसान भाई प्रमाणित बीज एवं कृषि की उन्नत तकनीकियां अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं। इस भाग में जिले को कृषकों द्वारा खरीफ एवं रबी में फसल विविधीकरण अपनाकर अन्नदाता किसान बंधुओं को अधिक उत्पादन लेने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कि कृषक बंधु जोखिम को कम कर अधिक आय प्राप्त कर सके। फसल विविधीकरण, किसान एक फसल अनेक, आपके समक्ष। किसानों को खेत में आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती के विभिन्न घटकों को प्रदर्शित किया गया है। जिले के किसानों द्वारा उत्पादित ग्रीष्मकालीन मूंग को शासन द्वारा वेयरहाउस स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹7,275 प्रति क्विंटल से उपार्जित कर कृषक बंधु समृद्ध को हो सके। मध्य प्रदेश राज्य को कृषि के क्षेत्र में लगातार 6 वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हो रहा है, जिससे सर्वाधिक 4 बार नर्मदापुरम जिले का योगदान रहा है। भरपूर अन्न उत्पादन से किसान भाई प्रसन्न चित्त हैं और अपनी खुशियों का प्रदर्शन नाच गाकर कर रहे हैं। आज शाम को भारत पर्व का आयोजन है। शाम को आप सभी भारत पर्व के इस आयोजन में पूरा है, पूरा लिया हुआ है।